जय हिंद दोस्तों। जब कभी भी आपको जैसे क्यूबिकल शेप में रेजिस्टेंस दिए गए हो या प्रतिरोध दिए गए हो, तब उस वाली कंडीशन में आर इक्विवेलेंट निकालने का नीट या जेई किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को वहां से पे 1 से लेके 2 मिनट तक की मिलता है एक क्वेश्चन के ऊपर लगभग टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, या तो अपने को कोई ट्रिक आनी चाहिए या फिर फंडे से डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो एक ट्रिक के माध्यम से अपन देखेंगे कि मान लो आर इक्विवेलेंट निकालना हो और जब रेजिस्टेंस सबके सब एक क्यूब में जुड़े हुए हो, हर साइड के अलोंग हर भुजा के ऊपर एक एक रेजिस्टेंस हो, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सबकी सेम है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है। बाकी आप अगर तरीके से करोगे, टेक्निकल तरीके से करोगे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी अपन आज इसको ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। अब देखो कितने कहाँ कहाँ पे पूछा जा सकता है। मान लो ए से लेके बी तक पहुंच ले, ठीक है, डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस को पार करके इक्विवेलेंट पूछ ले कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, या ए से लेके एफ तक पूछ ले और ए से लेके जी तक पूछ ले। तो ये तो डायरेक्ट बी आ रहा है, और यहां से अपन समझ सकते हैं, मान लो अगर साइड ए है, इसकी हर साइड क्या है, ए है, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, एफ तक की डिस्टेंस, जी तक की डिस्टेंस सब जगह सेम है। तो देखो ए बी हुआ और ए एफ हुआ और ए जी हुआ, इनका आर इक्विवेलेंट जो भी निकालेंगे वो सबका सेम आएगा। कितना आएगा वो अभी एक साथ देखेंगे, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है अभी ए। उसके बाद दूसरा केस बनता है कि ए से थोड़ा सा दूर जाए, जैसे बी पे चले गए, एफ पे चले गए और जी पे चले गए। अब मैं देखो ए से लेके ई तक जाऊंगा एक बार, ठीक है, और पास में कौन है, ए से बी गया, यहां से ई गया, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी हो तो ये कितनी आती है, अंडर रूट 2a। अभी बताऊंगा इसका रिलेशन कहां पे है, जो डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ समझने के लिए निकाल रहे हैं। तो देखो ए से लेके ई तक गया, इधर से भी डिस्टेंस सेम आएगी, और ए से लेके एच तक की भी सेम आएगी, और ए से लेके सी तक की भी सेम आएगी। तो तीनों की डिस्टेंस सेम आएगी, वो भी कितनी आ रही है, अंडर रूट 2a। फिर उसके बाद अपन जाएंगे ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक, और सबसे जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो ए से लेके डी तक की आ रही है, और वो भी कितनी आ रही है, अंडर रूट 3a। तो देखो इनका फर्क क्या पड़ा। अब ट्रिक कैसे लगाएं, तो ट्रिक देखो कैसे लगाना है, यू कीजिए, 1 2 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। देखो 7/12 कब होता है, ए बी के अलोंग अगर आर इक्विवेलेंट निकालना हो तब, और अगर एई एच या एसी, जैसे एई या एच या एसी के अलोंग जब भी निकालना होता है, आप आर इक्विवेलेंट क्या रख देते हो, 3/4। और जब भी आपको ए से लेके डी डी तक निकालना हो तो ये क्या रख देते हो आप, 5/6। इस तरीके से आपने अभी 3 क्वेश्चन मिनिमम, कम से कम 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। बाकी आपको ये देखते ही एग्जाम में लगा देना है। अगर मान लो ए बी के अलोंग पूछे तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस में हमने क्या लगाया था, 7/12, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा था तब 3/4, फिर उससे बड़ा था तब 5/6। तो आपको क्या याद रखना है, 1 2 नीचे, फिर 3 4 डायरेक्ट चलते जाओ, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, फिर आता है 6, फिर 7 तक आए तो 7 को स्टार्ट में रख दिया। ये थी आपकी ट्रिक।